अभी इंस्टाग्राम पे थोड़ी देर पहले मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने अपनी मूंछों की तारीफ करी थी, तो अगर आपको ये लुक अच्छा लगा है या फिर कुछ चेंजेस आप इसमें चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें मेरे साथ वैभव, अमन और करण थे, जो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कॉमेंट करके उनकी फेवरेट जगह पर हम लोग गए थे खाने वीर जी की चाप, वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप उसे ज़रूर देखिएगा। आज मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया था, लैपटॉप ख़राब हो गया था और मैं सही कराने आया था रोहित भाई के पास। तो रोहित भाई ने कहा कि मैं साइबर सिटी जाता रहता हूँ और साइबर सिटी में मैं खाता हूँ पिंड भटूरे के छोले भटूरे, और इनकी शॉप दिलशाद गार्डन में है, यहाँ पे भी खुल गए हैं पिंड भटूरा। तो रोहित भाई आप इतने बड़े फ़ैन क्यों हुए हैं यहाँ पिंड भटूरे के? सर मेरा काम जो है भाई जो है फील्ड का है, फील्ड पे ज़्यादा जाता हूँ मैं, जिससे मैं लैपटॉप वगैरह लैपटॉप रिपेयरिंग करने के लिए कस्टमर मेरे गुड़गांव में भी हैं और आपका करोल बाग में भी हैं और आपका नेहरू प्लेस के अंदर भी, तो मैं जाता रहता हूँ। ठीक है, जिस कारण से मैंने इनका एक बार मैं गुड़गांव गया था, वहाँ मैंने इनके भटूरे खाए थे। और हर बार वहीं के खाते हो क्या आप? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरा जाना बहुत कम हो पाता है, मैंने एक बार जरूर खाए जरूर थे वहाँ के भटूरे। अच्छा, और लास्ट टाइम कब खाए थे यहाँ? लास्ट टाइम का मैंने इनका 2 दिन पहले भटूरे इनकी मैंने देखी यहाँ पे मेरी शॉप दिलशाद गार्डन में। और आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी तभी आप मुझे यहाँ खींच लाए? सर मैं तभी आपको फोन करके स्पेशल बुलाया, सर इनकी वीडियो यहाँ पे भी बना डालो। अच्छा, क्योंकि मुझे इनके भटूरे 2 दिन पहले खाए बहुत टेस्टी लगे। अच्छा, आपको लस्सी भी इनकी बहुत पसंद आई? सर लस्सी मैंने अभी तक पी नहीं है, मैंने भटूरे खाए हैं, भटूरे वाकई में टेस्टी हैं। एक और ब्रांच जिसमें हम लोग अब खाने आए हैं छोले भटूरे, इनकी फरमाइश के ऊपर, तो अब हम लोग खाएंगे छोले भटूरे। रोहित भाई तो अभी लेकर आए, साथ में हमें मिल गए ये भाई भी, और इन्होंने यहाँ पे पिया लस्सी। छोले भटूरे और लस्सी एक तरीके का नशा है, ठीक है, एक्सटेसी जिसे मैं बोलता हूँ, कि खाने पीने के बाद हम लोग सिर्फ गायब हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता, सिर्फ नींद आती है। तो आपको यहाँ की लस्सी कैसी लगी? लस्सी कहीं नहीं पी, यहाँ का मेरा सुबह हर दिन का डाइट है, मैं हर दिन जिम जाता हूँ, मुझे उसका कोई मतलब नहीं है, पर लस्सी यहाँ से जरूर जाएगी मेरी हर दिन की। अच्छा, हाँ जी, तो मतलब ये इनकी डाइट है यहाँ की लस्सी, ये आके पीते जिम जाने के बाद भी। अच्छा, मतलब आपको कुछ ना कुछ, हाँ मतलब घर पे अगर मैंने यहाँ पे लस्सी पी तो घर पे दूध भी नहीं पीना है, तो उस हिसाब से मैं रखता हूँ। अच्छा, ये कंट्रोल करके रखते हैं अपनी डाइट को। हाँ जी। अच्छा, पर लस्सी है जो मतलब यहाँ की बहुत अच्छी है, कीप्स मूविंग ऑन। ओके, तो ये आ गई हमारी छोले भटूरे की प्लेट तैयार होके। अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले छोलों में इन्होंने क्या क्या डाल रखा है। छोलों में ऊपर जो ये है अदरक, हरा धनिया और साथ में आलू की है, ये हमारा सैलड आ गया। अचार है यहाँ पे गाजर का, चटनी के साथ प्याज, ये नहीं अब इन्हें जब रोहित भाई ने खोल के दिखाओ, इनमें पनीर दिखाओ थोड़ा सा, पनीर वाले छोले भटूरे। ठीक है सर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इनके छोले भटूरे काफ़ी टेस्टी होते हैं। ये देखिए सर, इसमें हरा धनिया है, पनीर है। आदित्य भाई बहुत सही जा रहे हो, मेरा काम तुम ही कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है भाई, और क्या क्या है इसमें बता दो, और पनीर है साथ में। पनीर है साथ में, ठीक है। अब खा के ज़रा बता दो कि कैसे हैं ये। देखिए आदित्य भाई, मैंने तो खा रहे हैं, इनके काफ़ी टेस्टी हैं, काफ़ी भटूरे आ गए, लस्सी आ गई, और अब खाते हैं और इसके बाद बताते हैं कि ये सारा का सारा कैसा है। वैसे यहाँ की लस्सी की मैं बहुत तारीफ़ सुन रहा हूँ, यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले कस्टमर आए थे, वो सिर्फ यहाँ पे लस्सी पीने आते हैं। भटूरे तो रोहित भाई कह रहे हैं बहुत अच्छे, आज इन्हें हम लस्सी पिला रहे हैं। वो जो आए थे वो कह रहे थे कि वो भटूरे नहीं खाते हैं, वो खाते हैं सिर्फ, वो पीते हैं सिर्फ लस्सी। तो अभी हम लोग सारा खाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। छोले जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, अच्छे हैं, टेस्ट अपने आप बनता है। भटूरों की क्वालिटी बहुत फूले फूले आए थे, अभी तो थोड़े से पिचक गए हैं। ओवरऑल यहाँ की जो प्रिपरेशन है, ये सिर्फ छोले भटूरे और लस्सी सर्व करते हैं, इसके अलावा ये कुछ भी सर्व नहीं करते, जो बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ में स्पेशलिटी रहती है उस पर ये फोकस करते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आकर आप ट्राई कर सकते हो। दिलशाद गार्डन में ये खुल गया है, गुड़गांव में हो आप वहाँ पर भी है, और अमृतसर में भी इनकी एक ब्रांच है। सी है वो कुल्लड़ में मिलती है आपको, मलाई मिलती है, केसर का भी टेस्ट आ रहा है,
काफ़ी थिक भी है। छोले भटूरे खाने के बाद मुझे पता चला, जब यहाँ के जो ओनर हैं ये बात कर रहे थे किसी कस्टमर से, तो उनको ये बता रहे थे कि जो इनके छोले हैं वो कितने, आप भी बताइए अंकल कितने रुपए किलो लाते हैं आप? नियर अबाउट 120 रुपीज़ पर के जी के छोले होते हैं हमारे। हाँ जी, और ये प्रीमियम क्वालिटी में गिने जाते हैं। प्रीमियम क्वालिटी में जो लोग, हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं वो कितने, मतलब हम लोग कितने के लाते, क्योंकि मैं तो खरीदता नहीं हूँ घर का सामान, वो नियर अबाउट 70 की रेंज में होते हैं वो छोले। अच्छा, हम लोग मतलब 70-80 रुपीज़ के जी के आसपास घर वाले यूज़ कर, घर में यूज़ करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और जो आपके मसाले हैं वो कहाँ से आते हैं? ये ऑर्गेनिक मसाले हैं। ऑर्गेनिक, ये हम खुद ही तैयार करते हैं जो कि बाज़ार में अवेलेबल नहीं होते। इसमें सबसे बड़ी बात है कि तो टेस्ट अच्छा रहता है, दूसरा इसके अंदर हमने ऐसी कुछ आइटमें डाल रखी हैं जिसे आपको कभी कब्ज नहीं होगी। कब्ज नहीं होगी? हाँ जी। अच्छा, और ये तो मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। मेरा गॉल ब्लैडर नहीं है। जिनको कॉन्स्टिपेशन की परेशानी होती है वो परेशानी इन छोलों खाने के बाद बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा अच्छा। और लस्सी जो हमारी है वो बिल्कुल अमृतसरी स्टाइल में बनाते हैं, दही में बिल्कुल पानी नहीं डालते, और ना ड्राई फ्रूट्स, मैंने देखा था इन्होंने ड्राई फ्रूट्स और केसर भी डाल रखा था। और ना ही हम इसके अंदर बर्फ़ का यूज़ करते हैं, बर्फ़ का भी यूज़ नहीं करते हैं। और तो आपके जो टाइमिंग्स हैं यहाँ पे शॉप पे, शॉप के, वो कितने बजे से? 8 से लेकर 4:30 बजे तक का टाइम है, लेकिन वो भी 4:30 तब है जब सामान बचा हो, अवेलेबिलिटी हो उसकी, अदरवाइज 2 बजे के आसपास आप चले जाते हम चले जाते हैं। अच्छा, आदित्य भाई, इनके छोले भटूरे आपको कैसे लगे? नहीं, छोले भटूरे काफ़ी अच्छे थे, वो बता भी रहे थे यहाँ के जो ओनर हैं कि जो मसाले आते हैं, जो छोलों की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, और जो मसाले हैं वो ऑर्गेनिक मसाले हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा कि आज आपने मेरे को और मेरे व्यूअर्स को एक अच्छी जगह बता दी, दिलशाद गार्डन में ये जगह है। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और उसके बाद, उससे पहले आप इस चैनल को नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हो मेरी वीडियोस में फ़ीचर होना, तो आप अपनी फेवरेट जगह जहाँ पे आप खाना खाने जाते हैं और लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मेरे पास टाइम होगा तो मैं बिल्कुल आप लोगों के पास आऊँगा। आप मेरे 3 पैक पैक करवा दो।